घर वापसी कर चुके हैं सांसद अर्जुन सिंह। इससे क्या उत्साहित है बैरकपुर लोकसभा के व्यवसायीगण? आइए सुनते हैं, इनका नाम है खुर्शीद आलम अंसारी। पेशे से डॉक्टर है, लोग इन्हें मुन्ना डॉक्टर कहकर पुकारते हैं। सुनिए इनकी दास्तान इन्हीं की जुबानी। अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल। हाँ हेलो, नमस्कार सर। हाँ भैया नमस्कार, बोलिए। बात है ना कि आज से 4 साल आगे। अच्छा, 4 साल आगे। हाँ, जबकि हम सोम बाबू सबको अच्छा जान पहचान था, हमारे घर में आना जा सोमना शाम विधायक। हाँ हाँ विधायक, ठीक ठीक। हाँ तो ये हमको, हम डॉक्टरी करते हैं, 30 साल से हम प्रैक्टिस करते हैं, और हमको सोमनाथ श्याम और मनोज पांडे, अच्छा, तो दोनों आदमी बोला कि डॉक्टर साहब एगो मेन रोड पर जमीन बिक्री है, ले लीजिए, आप तो फ्लैट बनाते हैं, ले लीजिए, आपको फायदा होगा। समझ ठीक है। मैं तो उसमें दो ठो दुकान था मरवाड़ी का, अच्छा, भाड़ा में है ना। तो ये लोग बोला दोनों आदमी के, डॉक्टर साहब इसको आप 20 लाख रूपए दे दीजिएगा तो खाली कर देगा, इसके लिए एक आपके पेपर बन जाएगा, अच्छा है ना। तो पेपर हमारा जो बन गया, हम पैसा दे दिए सोमनाथ श्याम को दे दिए, ताकि जो मरवाड़ी सब बुरा, वो बोला कि आप सोमनाथ श्याम को डॉक्टर साहब पैसा दे दीजिएगा, हम इसे ले लेंगे, आप इन्हीं को सब दे दीजिएगा। कितना दिन पहले बताइए? करीब करीब 4 साल हुआ। अच्छा, मैंने 4 साल पहले आप खरीदे हैं जमीन? हाँ हाँ, इसके बाद जो है अब हमारा काम जो है शुरू हो गया। हाँ, 5 लाख रुपया हम कमीशन लिया रहा सोमनाथ श्याम, हजार काम करा लेता है, 5 लाख होता है काम में, यहाँ तक सब कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक ही है। ठीक है, इस बार हम जो है प्लान वलान सेंशन करा के हम 3 तल्ला बना लिए, 4 तल्ला जब ढलाई करने जा रहे हैं, जब रिजल्ट निकल गया कि हम जीत चुके हैं, उसके 4-5 दिन के बाद कहा कि गुंडम स्थान भेज करके हमारा डिस्पेंसरी में जो है बोलता है कि गुंडम स्थान सर थोड़ा लड़का है मुस्लिम लड़का था, आया बोला डॉक्टर साहब, हाँ जो बोला डॉक्टर साहब आप तो माँ बाप से इलाज करा है, पैसा नहीं था तो आप पानी चढ़ा दिए, पैसा भी नहीं ली, मगर क्या करे। सोमनाथ श्याम का और मनोज पांडे का ये ऑर्डर है कि डॉक्टर साहब का जाकर ताला मारो, अगर नहीं हटेंगे तो उनको मारते मारते मुँह सब तोड़ दो। हम लोग निकल गए, ताला मार दिया, फ्लेट में भी ताला मार दिया, मेन गेट में भी ताला मार दिया, दोनों गेट में ताला मार दिया। जो मरवाड़ी था ना, मरवाड़ी मनोज पांडे का ससुर है, वो उसी से कहा किया कि बाहर खड़ा था, आके ताला मार दिया। एक मिनट आपको रोक रहे हैं, आपका पूरा नाम क्या हुआ? हमारा नाम है खुर्शीद आलम अंसारी, मगर हमारा डाक नाम मुन्ना डॉक्टर प्रचार है। कितना नंबर वार्ड में रहते हैं सर आप? हम रहते हैं 16 नंबर वार्ड में रहते हैं, और 18 नंबर वार्ड में हमारा जो है ये काम हो रहा है। तूने कितना था? एक जमीन था 9 कट्ठा, 20 लाख रुपया हमको सोम दिलाया था, जो उसमें भड़ैता था उसको 20 लाख रुपया दिलाया था कि आपको खाली कर देगा ये। अच्छा, जमीन खरीदे थे कितना में? खुद हमको बोला था 90 लाख रुपया वहाँ पर लगेगा, 5 लाख रुपया हमको दलाली देना पड़ेगा, 3 लाख रुपया जो रैयत है रेंटर है उसको देना होगा, तो दुकान वकान छोड़ देगा। अच्छा, ये जो ताला मारा था लोग, हाँ कब मारा था लोग? जब इलेक्शन जीत गया जब पूरा एकदम उसका कब्जा हो गया पूरा जगदल में, उसके बाद जो है आते आते घर मारना, लुटवाना, पिटवाना, सुटवाना, मैंने हम लोग मैंने तबाह हो गए हैं इससे, कब किस घर में कुछ हो जाएगा, किस घर में लुटा मुटी हो जाएगा, अपरा तफरी कर दिया है। डॉक्टर साहब एक मिनट आपको रोक रहे हैं हम, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन माइनॉरिटी पे थोड़ा सा ज्यादा नजर रहता है, ये बात तो सही है। विधायक का सामान चोरी करा लिया है, 7 लाख का सामान चोरी भी कर लिया है। हाँ, 6 गो हमारा फ्रेट बन के एकदम रेडी था, पूरा कंप्लीट, जितना वायरिंग फायरिंग जितना सब पता, हमारा चेम्बर पूरा एकदम झाड़ दिया है, फर्नीचर वर्नीचर जितना था हमारा, हमारा ऑपरेशन टेबल था, हमारा 2 गो नसूम सब परेशान था, सब सामान लिया किसी में रखे थे, सब सामान एकदम से ले लिया। और ये सब हुआ जीतने के बाद, मतलब विधायक बनने के बाद? जीतने के बाद ये तो हम हमारे बेटा जो है सोमबाबू का, हम लोग गए 10 बजे से लेकर 12 बजे रात तक हम लोग थे, बोलता है डॉक्टर साहब आपको 15 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम बोले भैया हम 15 लाख से कहाँ से देंगे, अरे हम सोचे चलो 1-1.5 लाख रुपया लेगा तो सर हम लोग दे वो देंगे, हम हाथ जो जोड़े तो बोला 10 लाख रुपया, फिर बोले भाई 10 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा होता, बोलता कि 11 लाख रुपया, फिर बोलता जहाँ आप कम बोलिएगा, फिर बोलेगा 12 लाख रुपया। ये सब बात वो खुद से बोले हैं कि किसी और से बुलवा रहे हैं? खुद बोल रहा है, अरे हमारे सामने सामने 2 घंटा हम बात किए, 2 घंटा बताइए आप, फिर बोलता है कि दुकान भी आपको देना होगा,
अच्छा, मैंने पैसा भी देना होगा, एक दुकान भी देना होगा फ्री में। दुकान का रजिस्ट्री जो है आपको खुद अपने से कराना होगा। तीन चार दिन के अंदर में नहीं दीजिएगा तो डॉक्टर साहब अपना सजा भुगतने के लिए तैयार रह जाइए। जाके उसके नाम से एफआईआर करिए, बुढ़वा के नाम से एफआईआर करिए। किसके नाम से? यहाँ से कुछ नहीं हो रहा था तो हम लोग चले गए मनोज वर्मा के पास, यहाँ टीवी पर चले गए। ठीक है, हम फोन करते हैं तो फोन उनकी है तो कल एक दिन दो दिन खूब दौड़ा दौड़ी किया लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर खुलवाया, फिर क्या किया कि बुढ़वा के ताला मार दिया। तो ताला क्यों मार रहा है, क्या बात को लेकर ताला मार रहा है? बुढ़वा बोल रहा है कि आप 20 लाख रुपया सोम बाबू को दिए थे तो सोम बाबू को हमको पैसा नहीं दिए। हम सोम बाबू को बोले कि भैया ऐसा ऐसा बात है। सोम बाबू कहते हैं कि नहीं है, उसको हम नहीं दिए डॉक्टर साहब, वो पैसा हम सब खा गए हैं, हजम कर गए हैं, फिर आपको दोबारा से पैसा देना होगा, आपको हम बनाने नहीं देंगे। इतना बात जो आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी आपको डर नहीं लग रहा मीडिया में इतना बात आप बोल रहे हैं? ये बात अगर फ्लैश हो जाए तो मतलब ऐसा कोई हम मुंह पर जाकर उसको बोलेंगे क्या करेगा? जान मारेगा जान, जिंदगी मौत मालिक के हाथ में है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई मौत जो है ना मालिक के हाथ ऊपर वाले के हाथ में। सही बात है, सही बात है। अगर मौत लिखा होगा ना सोम बाबू के हाथ में तो हम सोम बाबू हमको मारेगा, दूसरा कोई बचा नहीं सकता है। नहीं लिखा होगा ना तो ऐसा हजारों सोम बाबू आगे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। ये जो ऑडियो आप सुन रहे थे करीब 6 महीने पहले का है, जो कि आरोपकर्ता के अनुरोध पर किसी तरह से मीडिया में नहीं लाया गया था, परंतु आज से 3 दिन पहले पुनः इसी डॉक्टर व उनके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला होता है। देखिए अभी का नजारा। ये जैदल पुलिस फाड़ी में रहता हूँ और मेरा बिल्डिंग है 41/A ईस्ट घोसपा रोड जगदल। हुआ क्या मेरे साथ कि एक साल पहले मतलब इसी रोड पे हम लोगों को बोला गया कि इतना अमाउंट देना है और एक दुकान रजिस्ट्री करना है, हमने वो भी कर दिया। लेकिन कुछ साल बाद होता है कि एक साल बाद होता क्या है कि वापस से सेम चीज़ फिर से रिपीट होता, फिर से हम लोग बोला जाता है कि इतना पैसा देना पड़ेगा और फिर दुकान देना पड़ेगा। और क्या मांग हो रही है? अभी बोल रही कि और 10 लाख रुपए दीजिए और दुकान दीजिए, फ्लैट दीजिए। आपके आंखों में चोट कैसे लगा हुआ? कल लगभग 8 बजे करीब अपने दुकान के पास खड़ा हुआ था, यहाँ चोट लगा। तभी कुछ होता है कि एक मनोज पांडे ससुर है, उनका नाम सत्यनारायण अग्रवाल है, ठीक है, वो आते हैं और बोलते हैं कि मतलब दुकान क्यों बंद कर दिया, दुकान हम खोले थे, ये वो उसी पे आर्गुमेंट होता है। तब वो किसी को फ़ोन करते हैं, तब अचानक से 30-40 लोग आ जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि अचानक से 30-40 लोग मेरे पे हमला कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा मारपीट होता है उसमें। क्या हो सकता है? कल तो जो मारने हैं तो मर्डर के इंटेंशन से आए थे। क्या हो सकता है? अरे फिर से ये चीज़ रिपीट हो सकता है। तो FIR मैंने किया है सत्यनारायण अग्रवाल जो मनोज पांडे ससुर है उन पर किया है, फिर आपका मनोज पांडे पर किया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक महीना पहले आकर यहाँ खड़े को धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी उन्होंने। यानी आपके अगर कुछ हाँ होता तो किस पर आपका शक रहेगा? शक मनोज पांडे उनके ससुर पर रहेगा। और भी कोई लोग थे हाँ थे। बस हुआ क्या कि हम आके खड़े हुए थे 8 बजे करीब, राज पांडे से बात कर रहे थे तो 2 मिनट बात किए होंगे। उस राज पांडे आपका मनोज पांडे भगने हैं, यानी इनका सीधा आरोप जगदल के वर्तमान विधायक सोमनाथ श्याम तथा यहाँ के स्थानीय पार्षद मनोज पांडे पर है। क्या है मुख्य आरोप? क्या यह मुख्य आरोप है? सुनिए क्या कह रहे हैं मुन्ना डॉक्टर। अब अर्जुन सिंह आ गए हैं, हम लोग को पूरा उम्मीद हो गया है कि अब तोराबाजी एकदम नहीं चलेगा, अब चिटिकबाजी नहीं चलेगा। हमारे साथ तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मनोज पांडे इसका मेन भूमिका में निभाए हैं और हम सोमनाथ श्याम को 20 लाख रुपया दिए हैं, 20 लाख रुपया दिए हैं। वो हमसे जो दलाली के लिए 20 लाख रुपया मांगे थे कि डॉक्टर साहब दे दीजिए 20 लाख रुपया, हम दो दुकान खाली करा देंगे। तो कहा कि दो दुकान खाली भी नहीं करा है और पैसा भी उसको जो है नहीं दिए 20 लाख रुपया। उसका मेरे पास कागज है, प्रूफ है, उमेश सिंह के हाथ से पूरा पैसा दिए थे। मतलब यहाँ पर जो विषय है उसे कहीं ना कहीं उगाही कह सकते हैं तथा इनके अनुसार अब ये लोग मुंह खोल रहे हैं। इनका कारण सांसद अर्जुन सिंह का त्रिमूल में वापस आ जाना। मनोज पांडे बोलता हम तुम्हारा मर्डर करा देंगे, डर हमको जान का खतरा, हमको जान का खतरा है, मेरे लड़का का जान का खतरा है। हमारे लड़का को 35 आदमी जो है बहुत बुरा तरीका से मारा है, वो तो अर्जुन सिंह आए हैं तो हम लोग थोड़ा हिम्मत हुआ है,
ऐसा हमारे साथ जुलूम किया है कि हम लोग का रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। वो तो पुलिस प्रशासन है कि हम लोग बचे हुए हैं। आए अब हमको उम्मीद है कि अब हमको अब अर्जुन सिंह आ गए हैं, अब हम लोग पूरा हम नहीं पूरा तमाम लोग सुरक्षित रहेंगे। जितना चिटिंगबाज चुहार था सबको यह रास्ता जब भाग रहा है। अब चलिए देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया है सांसद अर्जुन सिंह की। हाँ, मैंने सुना है उस वीडियो में, मैं उनसे बात करूंगा, मुन्ना डॉक्टर से बात करके देखता हूँ उनका समस्या कैसे कितना दूर तक हम लोग हल करा सकते हैं। मैं चेष्टा करूंगा। कई लोगों का नाम भी उन्होंने लिया। हाँ, नाम लिए हैं। पार्टी लेवल पर भी इसकी आलोचना होगी, पार्टी लेवल में भी इसका कंप्लेन होगा। क्या कर सकते हैं, अपना जान का खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की। तो ये उनको आपके माध्यम से कहूंगा कि पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी दें और देने के बाद सुरक्षा की मांग करें, हम लोग इसको देखते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें काफी चोटें आई उसको और करीब 25 लड़का उसके दरवाजे उस पर कुछ मुकदमा हुआ है, शायद अरेस्ट भी हुआ है। देखिए क्या होता है। इस मामले में हम बनाए रख रहे हैं अपनी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार, इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर दुकान या ऑफिस हो सजाना, बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस। लॉकर बेड से लेकर प्लाई, शीशे व इलेक्ट्रॉनिक के अनेकों सामान, और हाँ ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। तो फिर बिना समय गवाए आइए और ले जाइए यहाँ से अपने जरूरतों की चीज, वो भी बिल्कुल सस्ते में। याद रहे अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल।